वेलकम टू माई चैनल गाइस। आज हम लोग आए हैं अगेन एक फूड पॉइंट के लिए, और आज हम लोग आए हैं इधर फिशलैंड में, जो है खोपट के टर्निंग पे। और इधर देखिए मॉर्निंग दिख रहा है आगे इधर, तो लेट्स सी कैसा लगता है। और खाते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको कैसा लग रहा है। ये लाइट्स अच्छा है इसके लिए मैं इधर आया। ये देखिए और पावरफुल लाइट्स। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। आज अगेन आए हैं हम लोग फूड पॉइंट करने के लिए, और हम लोग आए हैं फिशलैंड में, जो कि थाना में खोपट में। तो मैं उसका एड्रेस अभी घंटा तो उसका एड्रेस मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, और यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आता होगा। तो हम लोगों ने मंगाया है ये मसाला पापड़, जो अभी उसमें खा के देखते कैसा है मैं तो बता पाऊँ। एग है उसके अंदर, एग रुकते आगे कभी देखते हैं। ये हम लोग का सुरमई है, जो लास्ट टाइम खाया था उससे काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है। ये करी है, और ये वही उसका नाम मैं ठीक से बोल नहीं पाता, तो मैं बोलूँगा भी नहीं। ये हम लोग का सोल करी, और यहाँ पर रस्सा है जो फिश रस्सा है वो खाएंगे। मैंने लिया है ये जो है भाकड़ी, और आपको दूसरा प्लेट दिखाता हूँ अभी मैं। तो ये होगा मटन थाली, तो ये मटन हो गया हम लोगों का, मटन है ये। उसके बाद में मटन के साथ एक हम लोग को एक करी भी आया है, और ये हमेशा सोल करी, और ये थोड़ा सलाड है, और ये तामरान पांडा रस्सा है, और ये है कुमरी वड़े, राइट। तो अभी खाएंगे भाकरी के साथ थोड़ा, तो ये मैं अभी रस्से के साथ ट्राई करूँगा पहले। मस्त है ये फिश रस्सा लग रहा है, फिश दिख रहा है मेरे अंदर। सबसे ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा ये लेके। तो ये चटनी है, आपको दिख नहीं रहा होगा, चटनी दिखाता हूँ। तो ये चटनी हो गया, और गार्लिक की एकदम कोकोनट के साथ गार्लिक एकदम मस्त सुपर। तो अभी मैं खाऊंगा थोड़ा मटन चिकन वड़े विथ सम मटन, आगे देखते हैं। नाइस गाइस, थोड़ा ये तांबे रस्ता एंड पांडे रस्ता आगे देखते हैं। ठंडा है, गर्म देना चाहिए, क्यों ठंडा है? कामड़ा रस्ता पियेंगे, ठंडा है पांडे रस्ता भी ठंडा है, ये गलत है, लेकिन टेस्ट इज गुड। मैं फिर से मटन खा रहा हूँ थोड़ा, मटन और टेस्टी होना चाहिए था। अभी थोड़ा एक करी खा के देखते हैं। ये और ये बोतल सेम, उसमें एग है एक में मटन है, तो ये क्लियर हो गया। तो अभी थोड़ा ये खा के देखते हैं, ये रायता है वैसे। हम लोग लेंगे थोड़ा कांडा, अभी छोटे छोटे साइज का सुरमई, ये तो मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है। हम लोगों ने लास्ट टाइम खाया था उसका साइज कितना था, इतना बड़ा है इतना, तो ठीक है सबका अलग अलग रहता है। लोग सीखे वो मेन चीज़ ये सुरमई अच्छा है, मुझे कोई टेस्ट इतना नहीं रहा है। ओके, वीडियो अच्छे जा रहे थे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सेकंड थिंग तो बहुत ज़रूरी है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और ऐसे ही अगर रिव्यूज चाहिए तो मुझे जोमेटो पर ज़रूर फॉलो करें। उसका सबका हैंडल इधर आ रहा होगा सबका। तो ये आ गया हम लोग का स्टीम राइस, तो ये भी खाना पड़ता है इसमें। आपको अगर राइस नहीं चाहिए यू कैन रिप्लेस इट टू लाइक भाकरी के साथ या तो बड़े के साथ, मतलब राइस रिप्लेस करके बड़ा लेते हो तो दो आएगा, और अगर भाकरी लेते हो तो एक भाकरी आएगा।
choice is yours. In my opinion, चुलमाई जहाँ तक मेरे एक्सपेक्टेशन था वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया चुलमाई. ओके है मटन ना, मुझे अच्छा नहीं है बोल नहीं सकते, बहुत अच्छा है. इससे अच्छा अच्छा खाया मैं, खाऊँगा पापड़ बड़े विथ सम करी, कुछ करी. थैंक यू. तो जो मैं बोल रहा था राइस तो मैं खाता नहीं, दो बड़े ले लिए हैं, अब मैं अंडे के साथ खाऊंगा. वही बार बार बोल रहा था मैं, अंडा कढ़ी और मटन कढ़ी दोनों सेम है, सो आपको अंडा डाल के मिल जाएगा और मटन डाल के मिल जाएगा. और मे भी आपको अलग टेस्ट मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो वही है, ऐसा होता है. हम लोग खाएंगे तांबड़ा रस्सा. और जो एक करे दिया है जो एग है बॉयल एग, उसके अंदर सिर्फ छोड़ दिया गया है. तो मटन थाली में जो कामरा रसन पांडे रसन है ना, वो एकदम तीखा अच्छा एकदम झंझने वाला चीज़ था. लेकिन हम लोगों ने मिला ठंडा. ओके तो अभी ये सोलकड़ी भेजे थोड़ा सोलकड़ी मैं ट्राई करता हूँ एम्बियंस दिखाने का, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा भीड़ है तो मुझे नहीं लगता मैं कैमरा घुमा पाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा उस साइड का दिखाने के लिए. या ये साइड तो भरे पड़े हैं, तो आई डोंट लाइक कि किसको भी शहर में आए. डॉक्टर ये एक मिलेगा आपको पान, और इसको हम लोग खाएंगे अभी. तो टाइम आ गया और वीडियो एंड करने का. आपने देखा पान था, मीठा पान था, पान का साइज छोटा था लेकिन ठीक है, मीठा पान गुड हो गया खा गया. इधर अगेन लाइट अच्छा था तो मैं इधर उधर घूम रहा हूँ लाइट के लिए. ठीक था टेस्ट. वीडियो अगर पसंद आया तो वही ड्रिल हमेशा वाला, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मेन तो यार बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे वीडियोज़ बार बार देखने हैं. तो मेरा खर्चा हुआ 750 रुपीज़. हाँ 750 विद ऑल द GST, क्योंकि मैंने एक पापड़ भी मंगाया था राइट, तो उसके लिए 750 रुपीज़ हुआ.